राहुल, क्यों अपने आप को ऐसे परेशान कर रहे हो? तुम्हें शायद लग रहा है कि ऐसी सब घटनाएं सिर्फ इसी मंदिर में होती हैं, पर ऐसा नहीं है। शायद तुम्हें नहीं पता, उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भगवान को मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और भगवान उसे पी लेते हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। भाभी, दुनिया में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि सिद्धपुर के इस काल भैरव मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है, उन सब बातों का जवाब है मेरे पास। मंदिर का रहस्य, उसमें होने वाली घटनाएं, इनके पीछे कोई भगवान नहीं है, किसी इंसान का हाथ है। और वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि भगवान का भय दिखाकर लोगों को अंधविश्वास की तरफ धकेला जा सके। और आप भी बताइए, मैं भी तो सूर्यास्त के बाद मंदिर में रह गया था, फिर भी बच गया ना। और नया आदेश आने के बाद कितनी बार मैं जंगलों में गया, फिर भी बच गया। और कल तो मैं पूरी रात बाहर था, तब भी मैं बच गया भाभी। और गौरी भी तो मंदिर में गई थी, पूरी रात मंदिर में रहने के बाद वो भी जिंदा बच गई। तो क्या भगवान अपने भक्तों में भेदभाव करते हैं? उसने मुझ जैसे नास्तिक को जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्या मतलब है इसका? राहुल, तुम अब भी नहीं समझ रहे हो। गौरी को उसकी श्रद्धा ने बचाया है। बचपन से वो काल भैरव भगवान की भक्ति करती आ रही है। तुम्हारी रक्षा के लिए वो भगवान से प्रार्थना करती है। तुम्हें सुरक्षित देखने के लिए वो भगवान से मिन्नतें मांगती है। अपने आप को भाग्यशाली समझो राहुल। बार बार भगवान की शक्ति पर उंगली उठाना बंद करो। जरूरी नहीं है कि हर बार भगवान की कृपा और गौरी की भक्ति तुम्हें हर परेशानी से बचाते रहे। बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान काल भैरव को सौंपा गया अपराधी अचानक गायब हो गया। ढूंढा बराबर सब जगह? आधा तो मंदिर में ढूंढा था पर नहीं मिला। लखनपाल नहीं, क्या नहीं? नहीं मिला। हमने मंदिर में, गांव में, जंगल में, सब जगह छान मारा, पर वो कोई सुराग, कोई निशानी, कुछ ना हाथ लगा। नहीं मिला। हेलो, नहीं, हत्या तो नहीं हुई, लेकिन इस बार वो इंसान गायब हो गया है जिसे भगवान के हवाले किया गया था। कोई शातिर दिमाग ही है जो अपनी टोली के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी किसी को भेजने की जरूरत नहीं। गांव वाले पहले बहुत गुस्से में हैं, अब ऐसा ना हो कि बाहर वालों को देखकर अपना पूरा गुस्सा उन्हीं पे उतार दें। सही वक्त का इंतजार करना होगा। हे भगवान, मैं बहुत ही बड़ा अज्ञानी, पापी, अधर्मी, मूर्ख, घटिया इंसान हूं, पर हूं तो आप ही का बच्चा ना। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती इस जन्म में कभी कभी नहीं करूंगा।
कभी नहीं करूंगा। मुझे मुझे माफ कर दो प्रभु। आप सदा मुस्कुराते रहे। रोना मत भगवान, रोना मत। दया करो भगवान, मुझे 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 क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हो भाई साहब, गाड़ी क्यों रोक दी? सर आगे पेड़ गिरा हुआ है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, वैसे भी गांव पास में ही है। पैदल जाना पड़ेगा? जी सर। ओके गाइस, लेट्स गो। गाइस, आदित्य ठाकुर के गांव पहुंच गए हम। वैसे आदित्य देखेगा तो हैरान हो जाएगा। गाइस आप लोगों को पता है यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे सूरज ढलने के बाद जाना मना है। कहते हैं कि वहां पर शिवगण आरती करते हैं, और अगर आरती के बीच में गए तो समझो, क्या बोलते हो, चलें? अरे कभी कभी खतरनाक मजे उठा लेने चाहिए भाई। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा ने बड़ी अजीब सी बातें बताई इस मंदिर के बारे में। क्यों बेकार है पंगे लेने का? मैं तो कहता हूँ कि आदित्य को यहीं बुलाकर मिल लेते हैं और फिर खा पी कर निकल लेते हैं, है ना? हे भग्गू, इतने डरपोक हो तो साथ क्यों आए? लुक, हम तो जरूर देखेंगे कि मंदिर में क्या क्या होता है। हाँ, तुम कोई कोना लेके छुप जाना। क्या है शाइना? हाय, क्या आप आदित्य ठाकुर के घर का रास्ता बता सकती हैं? जी, वो सामने गली से सीधा जाइए और वहां से बाएं मुड़ जाइए, वही सामने है उनका घर। थैंक यू, आई मीन शुक्रिया। ये तो वही लोग हैं जो आदित्य से सपने में बात कर रहे थे, और उसके कुछ ही देर बाद राहुल के ऊपर वो खंभा गिरा। इनका आना मतलब मेरा सपना सच हो रहा है। तो क्या मेरा बाकी का सपना भी सच होगा? अरे सुना, मंदिर में किसी की लाश मिली है। मंदिर में लाश मिली है? क्या हुआ? लाश मिली। मंदिर में लाश मिली। ए लाश मिली। मंदिर में किसी की लाश मिली है। मंदिर में लाश? बाबूजी, ये लाश कहीं हमारे मनीष की तो नहीं? भगवान, ये नहीं हो सकता। जैसे ही पूजा की सामग्री मंदिर में रखने आया, औंधे मुंह इस
इतने अजीब शरीर को देख के मेरे तो हाथ पांव सुन्न हो गए। पर ये है कौन? कहीं ये मनीष तो नहीं? लखन पाल, मृतक का चेहरा दिखाओ। हमारा मनीष नहीं है। हमारा मनीष नहीं है। हाँ बाबूजी, ये हमारा मनीष नहीं है। ये हमारे गांव का नहीं है। अगरवाल पता लगाओ ये कौन है और किस गांव का है। पता चल जाए तो ये शरीर इसके परिवार वालों को सौंप दो, अन्यथा इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। कितनी बार समझाया है, मना किया है लोगों को कि सूर्यास्त के पश्चात मंदिर में प्रवेश वर्जित है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। लो देख लो, एक और पानी ने अपनी जान गंवा दी। कुछ तो है जो जो अजीब सा है। इसके शरीर और कपड़ों पर ये लाल मिट्टी कहां से है? हमारे गांव की मिट्टी तो काली है। शरीर पर चोट भी है, कुछ ताजा और कुछ 4-5 दिन पुरानी। Stop it guys! इसमें हंसने की क्या बात है? It's so scary man! एक आदमी सिर्फ इसीलिए मर जाता है क्योंकि वो रात में मंदिर में रह गया। God! And you know आदित्य क्या बोल रहा था? कि सनसेट के बाद घर से बाहर जाना मना है। Guys, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या सच में भगवान ने किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? यहां की परिस्थिति और जो कुछ भी गांव में चल रहा है तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी तुमने अपने दोस्तों को यहां बुलवा लिया। अच्छा नहीं किया तुमने। पापा, मैंने नहीं बुलाया उन्हें, वो लोग अचानक ही आ गए। देखो बेटा, घर की बात अगर चौखट से बाहर निकल जाए तो तमाशा बन जाती है। हम नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को गांव की इन परिस्थितियों के बारे में पता चले। जितने जल्दी हो सके अपने दोस्तों को वापस भेजने की व्यवस्था करो। जी पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप नाराज हैं ना हम लोगों से?
क्योंकि हम सब आपको बिना इन्फॉर्म किए आ गए। सॉरी अंकल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब हमारे आदित्य के सहपाठी हो, साथी हो, ऐसे अपना ही घर समझो। किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। देखा गाइस, मैंने कहा था ना अंकल नाराज नहीं होंगे। अब तो यहाँ 6-7 दिन रहने को तैयार हो ना सब। हाँ, अब तो बहुत एंजॉय करेंगे। उस आदमी की मौत दुर्घटना के कारण हुई। तुमने उसके शरीर पर घाव देखे थे? ऐसे घाव ना तो किसी जानवर के हमले के कारण बनते हैं और ना ही किसी हथियार से। जरूर उसे वो चोट मिट्टी या पत्थर के कारण लगी होगी। और कुछ घाव तो एक दिन पुराने हैं और कुछ 4-5 दिन पुराने। ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। लाल मिट्टी, राहुल भाई, तो मैं भी कह रही हूँ कि जब हमारे गांव की मिट्टी लाल है ही नहीं, इसका मतलब वो आदमी किसी और जगह से आया होगा जहाँ की मिट्टी लाल होगी। नहीं नम्रता, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लाल मिट्टी इसी गांव की है। ऊपर से देखने में काली मिट्टी जरूर लगती है, लेकिन जमीन के अंदर, जमीन के बहुत नीचे और सुरंग के दूसरी तरफ ये लाल मिट्टी हो सकती है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नम्रता, तुम्हें याद है जब डायनामाइट से सुरंग में धमाका हुआ था? हो सकता है कि यह आदमी उस वक्त वहीं हो, सुरंग के दूसरी तरफ, या फिर सुरंग से मंदिर जाने वाले रास्ते पर, और उसी धमाके की वजह से उसे चोट लग गई हो। और वो आदमी कल रात को सुरंग के उस रास्ते से मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। और कल रात को वो सुरंग से ही मंदिर में ऊपर आया होगा। बाबूजी, क्या सपने सच हो सकते हैं? मतलब आने वाले दिनों में जो भी सब होने वाला है, क्या वो सब इंसान सपने में देख सकता है? ईश्वर की लीला बड़ी निराली है गौरी। कभी कभी भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं, और जिसे हम पूर्वाभास कहते हैं। पर तू ये पूछ क्यों रही बिटिया? जब से मंदिर में रहकर आई हूं, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। काल भैरव भगवान के सामने 9 दिव्य शिवलिंग, पर भगवान खुद उनकी रक्षा कर रहे हैं। पर बाबूजी, ऐसा भी हुआ है, जो चेहरे, जो तस्वीरें, जो घटनाएं मैंने सपने में देखी, वो अगले कुछ दिनों में सच बनकर मेरी आंखों के सामने आ गई। गौरी, तू बहुत भाग्यशाली है, प्रभु की असीम कृपा है तुझ पर। हो सकता है तेरे हाथों से किसी का भला करना चाहते हो, या किसी अनर्थ को रोकने के लिए तुझे चुना हो प्रभु ने। ये तो वही लोग हैं, वैसे ही कपड़े पहने हुए जैसा मैंने सपने में देखा था। तो क्या इसका मतलब बाकी जो कुछ मैंने देखा वो भी सच तो नहीं हो जाएगा? मंदिर का कोई खंभा गिरा और राहुल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।